हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। साथियों, आप सभी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है वो कि मैथ नहीं आता है ना। आप लोग बहुत बार कमेंट कर चुके हो, तो आज हम सभी लाखों स्टूडेंट्स की समस्या को देखते हुए मैथ की क्लास को शुरू करेंगे एकदम जीरो लेवल से। मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, टेंशन नहीं लेना है। जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो यहीं से वो सीखता है जोड़ घटाना गुणा भाग। पहले अंगुली गिन के जोड़ता है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर वो आता है कॉपी किताब में ना। तो चलो पहले हम जोड़ना शुरू करते हैं। वैसे आप लोग इसको कर लोगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना। ये मत सोचना कि भाई बहुत जीरो से एकदम बता रहे हैं, अच्छा नहीं है। ये तो पहली क्लास है, इसके आगे हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड वगैरह वगैरह, मैथ के सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह, ये सब कुछ होगा। चलिए 5 में 3 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। अब आप केजी में तो हो नहीं कि भैया चलो इसे 5 लाइन खींचे और फिर 3 लाइन खींचे, फिर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो है नहीं। आप जोड़ तो लेते हो, है ना। उसके बाद 9 में 7 जोड़ेंगे, 16 हो गया। ये तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ जीरो लेवल वाला, बाकी आप इसे कर लोगे ना। ये पहला तरह का सिंगल एडिशन हो गया नंबर का। जब डबल नंबर हो जाए तो ऐसे कैसे करते हैं, 2 ऐड करना है। इसमें देखो दाहिने साइड जो अंक होता है उसके नीचे लिखते हैं सिंगल अंक, उसके बाद 3 में 2 जोड़ देंगे, ये हो गया 5, और ये 1 उतार लिए 15। इसी तरह से आप इसको भी जोड़ सकते हो, ये थोड़ा अलग है। 8 में 2 जोड़ोगे तो 10, हासिल आएगा 1। क्यों? क्योंकि 10 ऐसे लिखा जाता है, इसमें 2 डिजिट होते हैं इकाई और दहाई, तो जो इकाई का अंक है उसे यहाँ लिख देते हैं, जो दहाई का अंक ये बचता है ये हासिल बन जाता है। हासिल इसके ऊपर लिख दिया जाता है जो उसके आगे अंक बचे होते हैं जोड़ने वाले, ठीक। तो 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 होगा और 1 वहाँ से मिला के हो जाएगा 5। इस तरह से आपका ये हो गया, है ना, बात पक्की। चलें आगे। चलिए ध्यान देना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें भी वैसे ही करेंगे, देखो 5 में 5 जोड़ोगे 10, हासिल है 1, 4 3 7 1 8। ये भी वैसे ही होगा, इसमें हासिल आएगा, है ना, 8 और 7 15 होता है ना, का 5 हासिल है कितना, 1 हासिल है, इसके ऊपर लिख दो, इसमें मैंने लिखा था इसमें भी लिख दिया, 9 6 15 और 1 हासिल 16। तो साथियों ये एडिशन आप समझ चुके हो, अब इसमें और ज़्यादा नहीं बताना आपको, है ना। तो यार जो ये होमवर्क है ना, इसको भी आप कर लेना, अब खुद से कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें मैंने नहीं किया है, तो आप खुद से कर लेना, ठीक है। जैसे ये हो गया वगैरह वगैरह, ये सब कर लोगे ना। इसमें थोड़ा मुसीबत हो, चलो मैं बता देता हूँ, 4 1 5 3 3 6 8 1 9 और 9 अकेले है तो 9, इसमें कोई हासिल नहीं आया। इस तरह से ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, इनको करना खुद से, प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आप जोड़ना सीख चुके हो ना, अब घटाना देखो, चूँकि ये भी वहीं से ही होता है ना। जैसे दो भाई राम और लखन है, उसी तरह ये दो जोड़ और घटाना, इन दोनों में उतना ही बड़ा रिलेशन और प्यार मोहब्बत है। चलो घटाने में क्या करते हैं, देखो इसमें बचपन में हम लोग ऐसे सीखते थे कि अगर 9 में से 2 घटाना है तो हम लोग क्या करते थे भैया, पहले 9 लाइन ऐसे खींच देते थे, देखो 3 2 5 हो गया, 6 7 8 9, है ना। उसके बाद क्या कहते थे हमारे सर जी और मम्मी पापा लोग जो भी पढ़ाते थे, कि 9 लाइन खींच करके उसमें से जितना घटाना, यानी 2 लाइन उसको काट दो। ये बचपन में हम लोग पढ़े हैं, फिर जो बच रहा उसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, 7 यहाँ पे लिख दो। लेकिन अब आप लोग मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं, ये ज़माना बहुत पीछे जा चुका है ना, तो थोड़ा सा दिमाग भी उसी साथ साथ बढ़ रहा है, तो आप लोग वैसे कर लोगे बिना लाइन खींचे, है ना। 8 में से 3 घटाना है, कितना आएगा आप सभी जानते हो, ऐसे अंगुली भी गिन सकते हो, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8, कई स्टेप में, तो ये हो जाएगा 5। मुझे पता है कि हम 1 KG LKG UKG के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उन बच्चों के मम्मी पापा को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज है ये सब सिखाना, क्योंकि मुझे पता है जो जीरो लेवल में पढ़ते हैं वो टेट सीटेट DLED इनके स्टूडेंट होते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा ये फ़र्ज है कि जीरो लेवल से हम आपको दिखाएं, बाकी ये सब तो आप कर लेते हो, हम जल्दी ही आपके उस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो आपको ज़रूरत है ज़्यादा, है ना। चलो ये आप कर लेना, ये दोनों होमवर्क है। अब देखो ये दूसरा तरह का जोड़ है जिसमें 2 अंक के संख्या से 2 अंक घटाते हैं, तो 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, बी ग्रुप का सवाल है, इसको भी ऐसे कर लोगे, ये भी और ये भी खुद से कर लोगे,
ये सवाल भी आसान है यार। ये देखो, एक तीसरा तरह का सवाल है। इसमें देखो, दो छोटा है, तीन बड़ा है, नहीं घटेगा। इसमें से एक कैरी लेते हैं उधार, तो उधार लेते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि ये इसको एक उधार दे करके ये 12 बन गया, अब 12, और ये बन गया 3। तो भैया 12 से 3 सभी सब ट्रेक कर लेते हैं, 9 आएगा ना। लेकिन अगर इसने एक उधार दे दिया, इसके पास मान लो 8 रुपये बच गया अपना, भाई 9 रुपये था, एक उधार दे दिया, 8 बच गया, तो 8 में से एक गया तो कितना, 7, बस आ गया। वैसे भी घटा लो, 92 से 13 घटाओगे 79 आएगा। ये सेम टू सेम आसान है, 9 से 9 0, 9 से 6 3, कितना ईजी है ना। उसके बाद अगर आप नीचे चलोगे तो क्या मिलेगा आपको, नीचे चलो, यहाँ देखो क्या मिल रहा है। ये भी वैसे है, 5 से 9 नहीं सबट्रैक होगा, इसमें से कैरी लेके इसको बनाओगे 15, तो 15 से 9 जाएगा कितना, 6 ना, क्योंकि 9 6 15 होता है ना, ये 6 है। अब यार अगर इसने एक कैरी दे दिया, ओनली 1 था, इसके पास केवल 1 रुपया था, इसने पड़ोसी के मांगने पे उसको दे दिया, तो बेचारा बहुत दयालु था, इसके पास कुछ नहीं बचा, अब 0 बचा है। तो फिर 0 से 6 तो जाएगा नहीं, घटेगा नहीं, इधर से एक उधार लेगा दद्दू से, तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये दद्दू जो 9 थे पहले, एक उधार दे करके 8 बन जाएंगे। आ गया ना। इस तरह से आप इसको भी कर लेना, दोनों ये होमवर्क है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे ले चलते हैं। चलिए देखते जाना, ध्यान से पूरा देखना। और हाँ, अगर मैथ सीखना चाहते हो एकदम जीरो से, तो आज से आप जीरो से हीरो के कदम पे आगे बढ़ चुके हो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, PVR स्टडी को, यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइक करें PVR स्टडी पेज, और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको प्रीमियम क्लास भी फ्री में दिखा देते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप देखते होंगे, और फेसबुक पर भी शेयर कर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो, तीसरा मुख्य इसका अंग होता है मैथ का, गुणा, मल्टीपल। बिना मल्टीपल के मैथ अधूरी होती है ना। मल्टीपल हर जगह होता है, चाहे जहाँ ना। चलो, तो पहला सबसे बेसिक ये होता है, जब हम लोग टेबल याद करते हैं तो ऐसे टेबल पढ़ते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे ऐसे पढ़ते जाते हैं ना, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ऐसे ऐसे हम लोगों ने टेबल याद किया है। जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हमारे सर लोग बहुत मारते थे जो लोग टेबल नहीं पढ़ते थे, तो भैया वो बात अलग थी, अब बात अलग हो चुकी है। अब जो कोई मारता है ना, तो उसके लिए जेल भी हो जाती है टीचर को, और इसीलिए स्टूडेंट आजकल पढ़ते नहीं हैं। चलिए फिलहाल आप ऐसे नहीं करना, इसका मल्टीपल करोगे क्या हो जाएगा, 3 का 3 में करोगे तो ये 9 हो जाएगा। आप सभी जानते हो टेबल, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। 2 का 3 में पढ़ोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। जिनको पहाड़ा नहीं आता वो कमेंट करेंगे, हम उनको 20 तक के पहाड़ा चुटकियों में याद करने का ट्रिक बताएंगे, वो हमें नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट करना। इसमें ऐसे करोगे दोनों में ये हो जाएगा 18। देखो कॉन्सेप्ट समझते चलना। इसी तरह से इसमें भी करोगे, 4 3 12। देखो हमने दो सवाल पहले क्यों बताए, क्योंकि इसमें मल्टीपल का जो कुल आंसर आ रहा था 1 डिजिट में आ रहा था, इसमें दोनों में, इसमें देखो 2 डिजिट में आया ना। इसी तरह थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखो अगर आप आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, ये सवाल छोड़ दो, इस पे आओ। ऊपर 2 अंक हो जाएगा, नीचे 1 अंक। अब इसका मल्टीपल कैसे करोगे, बहुत ही ध्यान से समझना। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 में तो 6 आएगा, 6 ऐसे लिख दोगे सीधा सीधा, ये 6 है, ठीक है। फिर क्या करोगे, 3 का पहाड़ा अगले वाले नंबर में पढ़ोगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद आगे बढ़ोगे, 4 का 2 में करोगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। 8 वैसे लिख दोगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 4 का पहाड़ा 7 में पढ़ोगे तो 4 7 28, इसे इंग्लिश में अगर बोलोगे तो क्या होगा, 4 2 8 और 4 7 28। वैसे ये भी 3 2 6, 3 3 9, बिकॉज इसमें कोई कैरी का मैटर नहीं बन रहा है, कैरी नहीं होगा, हासिल कहीं भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये भी देख लो, थोड़ा सा स्टेप आगे हो गया। ये 3 8 24, भाई 3 8 जा करोगे तो कितना होगा, 24 होगा। 24 में आप जानते हो 2 डिजिट होता है, यहाँ जब हमने किसी में मल्टीपल किया था तो 1 डिजिट आया था, 4 2 8 1 डिजिट, 3 2 6 1 डिजिट आया था, कहीं 2 नहीं आया था। बट यहाँ देखो 3 8 जा 24, देखो 2 डिजिट आ रहा है। जब 2 आ जाता है ना यार, तो जो राइट साइड नंबर होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है उसको इसके खोपड़ी पे लिख देते हैं, ये हासिल बन जाता है कैरी, ठीक है। अब 3 का मल्टीपल 9 में करोगे तो 3 9 जा 27, 3 9 27 होता है ना, और ये जो ऊपर 2 हासिल है वो जुड़ जाएगा, 3 9 27, 27 में 2 जुड़ेगा तो 28 29, है ना, कितना हो जाएगा, 29। तो ये हो गया आपका मल्टीपल का एक स्टेप। इसमें अब और इसके आगे कोई बड़ा स्टेप नहीं होता है, कुछ सवाल हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो आपने 2 अंक में गुणा कर लिया 1 अंक से, अब क्या होता है, 3 अंक में 2 अंक से कैसे करते हैं, और वो भी जिनका हमें पहाड़ा नहीं आता है,
अभी हम आपको थोड़ा सा छोटा स्टेप भी दिखा देता हूँ नीचे, यहाँ भी देख लो। जैसे 9, 8 और 1, इनको अगर मल्टीपल करना है 12 से, जिनका पहाड़ा हमें आता है, तो इनको कैसे करते हैं? इनको करना थोड़ा सा इनसे इजी होता है। जैसे देखो, 12 का पहाड़ा हमें आता है, तो 12 एकम 12, 12 का 2 यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 12 वन जा 12, 12 का 2 यहाँ पे लिखते हैं। और भैया आप जानते हो कि 12 में ऐसे 2 डिजिट होते हैं, तो इसका जो 1 डिजिट है यानी 2, उसको तो यहाँ लिख दिया, और जो ये बच रहा है लेफ्ट साइड का, वो इसके ऊपर कैरी आ जाता है। ठीक, तो 12 वन जा 12 का 2 कैरी हुआ 1, और 12 8 जा 12 8 96 होता है, आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो बताना। ठीक है, कितना होता है? 96 होता है, सही गलत है पढ़ा पढ़ लेना फिर बताना। ठीक है, तो 96 ये होता है, बट ये कैरी बचाया था, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हो गया 97। अब 97 का जो 7 है वो यहाँ लिख गया, और जो इसका 9 है ये हो गया कैरी, और ये इस 9 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये 9 है। अब 12 9 जा 108 होता है, यानी 12 9 108 होता है। 108 में 9 जोड़ोगे, ये देखो ये जोड़ोगे तो 9 8 भैया 9 8 17 के साथ हासिल 1, ये हासिल 0 में अगर जुड़ा तो 1 हो गया, और 1 यानी कि इतना हो गया 117। तो ये 117 ऐसे लिख देंगे, यानी हमारा फाइनल में जो मल्टीपल है वो हो गया, और ये आंसर आ गया इस तरह से 11772। इसको एक साथ में पढ़ोगे 11772। देखो एक ही लाइन में आ गया ना, लेकिन हमें 43 का टेबल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, 57 का थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये एक लाइन में नहीं होगा, ये 2 लाइन में जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से देखना और पूरा क्लास एंड तक देखना। देखो कैसे, 7 का टेबल पढ़ोगे 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, 14 का कितना हो जाएगा 4, कैरी आएगा 1, इसके ऊपर लिख दो। ठीक, फिर 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, 22 का क्या हो गया 2। अब देखो 22 में आप सभी जानते हो भैया कि 2 डिजिट होते हैं, तो 12 मैंने यहाँ लिख दिया, 12 इसके ऊपर कैरी हो जाएगा, है ना। फिर क्या करोगे, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21, 12 22 कैरी 2 हो गया, 7 8 जा भैया 8 7 56 होता है ना, करके देख लो, गलत हो कर बता देना। 56 में 2 जोड़ोगे 58, 58 का 8 हासिल कितना हो जाएगा 5, और फिर 7 9 जा 9 7 63, 63 में ये 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68। मल्टीपल करके देख लो, अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो बता देना। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप जानते हो, है ना। फिर अब क्या करेंगे, चूँकि हमने 1 ही डिजिट से मल्टीपल किया था, जो लास्ट वाला डिजिट है उसके नीचे क्रॉस लगा देते हैं, उसके बाद अब ये डिजिट से मल्टीपल करते हैं अगले वाले से। ठीक है, तो 5 5 2 जा 10 कैरी आया कितना 1, देखो 1 पहले भी था, चलो ठीक है। अब 5 3 जा 15, 15 में 1 ऐड हुआ, 16 का 6 कैरी कितना आया, फिर 1 कैरी आया। अब दूसरे के लिए हो रहा, पहले के लिए जो था ये सब खत्म, इसका काम नहीं। ठीक है, चलो 5 2 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 116 हासिल 1, और 5 8 40 और 1 41 का 1 हासिल आया 4, और 5 9 45, 45 4 कितना हो गया भैया 49। बस ये स्टेप होता है, इनको जोड़ लेते हैं जो भी होता, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 4 हो जाएगा, 2 में 0 ऐड करोगे 2, 8 में 6 ऐड करोगे तो 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 9 6 15, और देखो इसमें 1 हासिल आया था ना, हाँ 16 6 हासिल 1, फिर 1 आया है तो 1 ये 5, इस तरह से आपका आंसर हो गया 2 स्टेप वाले में, है ना। तो इसी तरह से आप इसको भी कर लोगे 48 से 43 से, और फिर ये सब करने के बाद हमें बताओगे, ठीक ना। ये क्लास हम बहुत बड़ी नहीं करेंगे, ये सब करने के बाद आप हमें अपना अनुभव शेयर करोगे कि आपने जोड़ घटाना गुणा में क्या क्या सीख लिया। इसके बाद अगली क्लास हम आपको देंगे, उसमें आपको मल्टीपल दिखाएंगे, आप उसे ज़रूर देखना, ठीक है ना। तो इस क्लास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको चलते चलते एक बात मैं बता दूँ कि अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भैया ये गलती नहीं करना, तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखो ये बताने वाला था मैं कि अगर आप प्रीमियम क्लास लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन ZLM लिख कर भेजें। प्रीमियम क्लास की विशेषता है कि आपको 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट बेसिक NCERT मैथ आपके नंबर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो भी PVR स्टडी ऐप के माध्यम से। आपको PVR स्टडी या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, फ्री और प्रीमियम दोनों क्लास के लिए आपको डाउनलोड करना होगा, इसमें आपको पूरा कंप्लीट मैथ एक साथ मिल जाएगा। बाकी आप यूट्यूब पर इस तरह से क्लास तो देख सकते हैं डेली, 10 मिनट की क्लास जो भी होगी, 14-15 मिनट की, लेकिन ये क्लास इस तरह से आपका बेसिक खत्म होने में साल भर लगभग लग जाएगा, और आपके पास
टाइम की मुझे पता है कि बहुत कमी है, समय बहुत ही मूल्यवान होता है, तो आप चाहते हो कि अगर 1 महीना में या 2 महीना में पूरा मैथ सीख जाएं तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर लो, इकट्ठा कोर्स ले लो, अन्यथा आप यूट्यूब पे एक एक क्लास देखते रहो। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखो और फिर देखते रहो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।